दुनिया भर में करीब 800 मिलियन से ज्यादा लोग कुपोषण के शिकार हैं और उनका वजन कम है। कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनमें पोषक तत्व ज्यादा होते हैं और उनके खाने से स्वास्थ्य ठीक रहता है। वर्ल्ड फूड डे पर हम आपको बताने जा रहे हैं 5 सबसे हेल्दी फूड जिन्हें आपको अपने भोजन में जरूर शामिल करना चाहिए। गोभी में विटामिन, मिनरल, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और कई बायो एक्टिव कंपाउंड पाए जाते हैं। इसमें ऑक्सलेट्स की मात्रा कम होती है, इससे कैल्शियम जैसे मिनरल का ज्यादा फायदा मिलता है। लहसुन के इस्तेमाल से न केवल सब्जियों का स्वाद बढ़ता है बल्कि यह पौष्टिक भी बहुत होता है। इसमें विटामिन सी, B1 और B6, कैल्शियम, पोटेशियम, तांबा, मैग्नीज और सेलेनियम काफी मात्रा में पाए जाते हैं। लहसुन ब्लड प्रेशर को ठीक करने के साथ खराब LDL कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। यह अच्छे HDL कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, इससे हार्ट डिजीज का खतरा कम होता है। ब्लूबेरी में काफी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इसमें एंथोसायनिन और दूसरे पौधों के कंपाउंड भी शामिल होते हैं जिनमें से कुछ मास्टिक में रक्त के प्रवाह को ठीक करते हैं। ब्लूबेरी खाने से मास्टिक का सुरक्षा तंत्र मजबूत होता है। मल्टीपल टेस्ट ट्यूब स्टडी और जानवरों के अध्ययन से यह पता चला है कि ब्लूबेरी से कैंसर से बचाव में मदद मिलती है। डार्क चॉकलेट में फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर और मैंगनीज काफी होता है। कई अध्ययनों से पता चला है कि डार्क चॉकलेट खाने से स्वास्थ्य को काफी फायदा होता है। इससे रक्त प्रवाह बेहतर होता है और लो ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं होती है। इसके खाने से कम ऑक्सीडाइज LDL और मास्टिक के कार्य में सुधार होता है। आलू में लगभग हर तरह के पोषक तत्व की थोड़ी मात्रा होती है। अगर दूसरी चीज ना मिले तो सिर्फ आलू खाकर भी लंबे समय तक रहा जा सकता है। एक बड़े आलू में पोटेशियम, मैग्नीशियम, लोहा, तांबा और मैग्नीज काफी मात्रा में होता है। इसमें विटामिन सी और विटामिन बी भी होता है।